हम कर रहे हैं दाल फ्राई। दाल को फ्राई करने के लिए हमने इसमें देसी घी डाला हुआ है, उसमें हमने थोड़ा सा जीरा ऐड किया है। जीरा डालने के बाद हमने प्याज डाले हुए हैं और इनको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। हमने इसे डाल के रखे हुए, हम तब से भून रहे हैं। आप देखो हमारे जो प्याज हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे मसाले। हमने दाल में पहले से हल्दी डाली हुई है, तो हम हल्दी जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे। उसके बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, कम ज़्यादा जितना आप खा सकते हो। देन हम थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हमने दाल में भी डाला हुआ है पहले नमक। देन हम इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। मसाले ऐड करने के बाद अब हम डालते हैं इसमें टमाटर, लेकिन हमारे पास अभी टमाटर नहीं थे, तो टमाटर की जगह पे आप टमाटो कैचअप भी यूज़ कर सकते हो। ये तो सबके घर में होता ही है, जब कभी भी टमाटर नहीं हो तो आप इसे यूज़ कर लें, देयर इज़ नो इशू। हमने थोड़ा सा टमाटो कैचअप इसमें ऐड कर दिया है। टमाटो कैचअप ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। हमारी दाल जो है उसमें पानी थोड़ा कम है, तो हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करना है। हमने दाल में थोड़ा सा डाल देते हैं, थोड़ा सा और डाल देते। पानी डाल दिया हमने, अब इसको थोड़ा सा बॉयल आएगा जब उबलने देंगे पानी को, क्योंकि ऐसे अगर आप दाल डाल दोगे इसमें तो वो थोड़ी सी कच्ची रह, पानी जो है वैसे कच्चा सा रह जाता है, तो अच्छे से पकता मिक्स नहीं होता। हम इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। इसको हम प्लेट के साथ ढक के रखेंगे ताकि अच्छे से उबाल आ जाए। हमेशा जब खाना बनाइए तो उसे ढक कर ही बनाइए। हमारा पानी जो है वो उबलने लगा है, अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारी दाल है, पहले कितनी ऐसी घनी सी हो गई है। हम इसमें ऐड कर देंगे कुकर के साथ में, थोड़ी सी जो बची है कड़छी से निकाल दूंगी। ये देखिए अब कितना अच्छा जो फ्लेवर इसका आया है, कलर बहुत अच्छा है इसका। हम थोड़ा सा जो इंडक्शन है हम इससे कम कर दूंगी, मैं सिम पे कर दूंगी। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर ऐसे अच्छे से उबलने के लिए रख देंगे, ताकि जो हमने एक्स्ट्रा पानी ऐड किया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं दाल का जो कितना अच्छा ब्यूटीफुल कितना व्यू आ रहा है। तो आप बस आप थोड़ी देर इसे हीट करेंगे, उसके बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं चपाती या फिर चावल के साथ।